नमस्कार उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है यूसर्क राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा सुलभ करवाने हेतु कृत संकल्प है आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा धन्यवाद आइए अब हम दूसरी केंद्रीय प्रवृत्ति का यहाँ पे मापन देखें जो कि है माध्यक तो सबसे पहला तो प्रश्न आता है कि हमें माध्यक की आवश्यकता ही क्यों है जब हमारे पास माध्य है जिससे हम केंद्रीय केंद्रीय प्रवृत्ति का का माप माप कर कर सकते हैं, कर सकते हैं हैं आंकड़ों का तो हमें माध्यक की क्या आवश्यकता है इसको बेहतर समझने के लिए आइए मैं आपको एक उदाहरण दूं अब मान लीजिए कि हमारे पास ये एक किसी भी गाँव के पांच अलग अलग श्रेणी के लोग हैं जिनकी हमारे पास यहाँ पे वे जो मंथली जो मासिक इनकी आय है वो लिखी हुई है मतलब इनकी बीस हजार है मान लीजिए इस परिवार की साठ हजार है इस परिवार की चालीस हजार है ये जो एक किसान भाई है यहाँ पे इनकी पैंतीस हजार है और यहाँ पे ये कोई एक पढ़े लिखे युवा हैं जिनकी तीस हजार है तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इनका जो है औसत निकालिए और एक मुझे एक संख्या बता दीजिए जो कि इन सबका मुझे एक औसतन आय का मान दे दे तो मान लीजिए कि आप यहाँ पे एक कार्य करते हैं और आप यहाँ पे इन सबका जो है वो माध्य निकाल लेते हैं तो बीस हजार और साठ हजार अस्सी हजार अस्सी हजार और चालीस हजार हो गया एक सौ बीस हजार और फिर हो गया एक लाख पचपन हजार और एक लाख पचासी हजार और एक लाख पचासी हजार को हमने अगर पाँच से भाग दे दिया हमारे पास यानी कि अगर हम एक लाख पचासी हजार को पाँच से भाग देंगे तो पाँच और तीन आ गया फिर यहाँ पे हमारे पास पैंतीस तो सैतीस हजार रूपए लगभग लग सबकी औसत आय हो गई मैं मान सकती हूँ इस इसके पास ही है मतलब इसके तुलना में मैं आपको एक दूसरा केस बताती हूँ तब आप इस बात को समझ पाएंगे कि हमारे पास औसत क्या आएगी अब मान लीजिए इस समूह में आपने कोई ये गणना आप कर रहे थे और इस समूह में आपके पास जो टाटा हैं या अंबानी हैं उन लोग जैसे काफी अमीर लोगों का भी यहाँ पे गणना में अंक जो है वो शामिल हो गया और उनकी तो जो मासिक आय है वो मान लीजिए आठ करोड़ रुपए है अब आपने 800 करोड़ रुपए को भी एक यहाँ पे प्रेक्षण लेकर के सारा जो है वो औसत निकाला तो कितना हो जाएगा तो 800 करोड़ और ये देखिए हजार जो हैं ये कुल एक लाख पिचासी हजार जो हमारे पास आया था उसको लिख लेते हैं तो पिचासी हजार एक लाख पिचासी और आप इसको अगर जोड़ेंगे तो आठ शून्य 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 एक आठ पांच शून्य 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 और जब आप इसको भाग भी देंगे तो आप छह लोगों से भी आपने अगर भाग दे दिया तो ये कुछ करोड़ों में आएगा है ना कुछ करोड़ों में आएगा अब आप एक बार सोचिए कि आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसकी बीस हजार रुपये महीने की मासिक आय है आपने एक औसत दिया जिसके अनुसार उसकी मासिक आय कुछ करोड़ों में है और वो भी एक दो करोड़ों में नहीं लगभग लगभग यहाँ पे आप कह रहे हैं कि 160 करोड़ लगभग उसकी आय है तो क्या ये जो गणना आपने करी जिससे आपने माध्य निकाला वो आपको एक सही संख्या या सही रास्ता दिखा रहा है और उत्तर है नहीं यानी यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम कोई एक मान ले लें जो कि काफी बड़ा है दूसरे मानों से काफी दूर है दूसरे मानों से तो हमारे पास जो माध्य है वो एक केंद्रीय प्रवृत्ति का सही मापन नहीं होता तो ऐसे में हम क्या करते हैं माध्य का प्रयोग करते हैं देखिए कई बार तो माध्यक और माध्य जो है वो एक ही तरीके का आपको मान देंगे जब आपके पास जो सारे ही संख्याएं हैं वो पास पास में हो मगर अगर कभी इस तरीके की आपके पास प्रेक्षण दे दिए गए जहां पे एक संख्या जो है वो बाकी सारी संख्याओं से बहुत दूर है तो फिर आपको माध्य जो है वो सही केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन नहीं देगा और ऐसे में आपको माध्य का प्रयोग करना चाहिए अब देखिए यहाँ पे मैं क्या आपको बताने वाली हूँ कि माध्यक जो है वो क्या बताती है कि मध्य मान क्या है जैसे आप इन सारे ही मानों को क्या करिए कि एक संख्यात्मक रूप में लगा लीजिए मतलब आप एक नीचे से ऊपर बढ़ता हुआ या कम से ज्यादा कर्मागत रूप में लगा दीजिए तो सबसे पहले हमने बीस हजार लिख लिया फिर हमने बीस हजार के बाद पैंतीस हजार लिख लिया तीस हजार लिख लिया फिर तीस हजार के बाद हमने पैंतीस हजार लिख लिया फिर पैंतीस हजार के बाद हमने चालीस हजार लिख लिया फिर चालीस हजार के बाद हमने साठ हजार लिख लिया और साठ हजार के बाद हमने आठ सौ करोड़ लिख लिया अब देखिए यहाँ पे आप क्या करिए कि इनका जो मध्य मान है वो निकालिए एक एक हटाया फिर यहाँ से यहां से एक एक हटाया और अगर आपके पास दो बच गए हैं तो इनकी औसत निकाल लीजिए यानी कि पिछत्तर हजार की आप औसत निकालेंगे तो 37500 हजार सौ आएगा तो इस तरीके से जो आपके पास मान आया वो असल जो मान है उनके नजदीक ही आया जबकि हमारे पास एक मान जो है वो बहुत ज्यादा बाकी मानों से अलग दिया गया था तो ये क्या कहलाएगा अब ये माध्य ना कह करके माध्यक कहलाएगा और जो कि है मिडिल वैल्यू यहाँ पे हम मीन वैल्यू की बात नहीं कर रहे औसतन मान की बात नहीं कर रहे मध्य बिंदु की बात कर रहे हैं माध्य बिंदु की बात नहीं कर रहे आइए हम इसके ऊपर एक उदाहरण भी ले लें तो जैसे आपको यहाँ पे दिया गया कि नौ विद्यार्थियों की सेंटीमीटर में लंबाई दी गई है आपको इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहला चरण है कि आपके पास जो भी मान दिए गए हैं आप उनको एक क्रम में लगा लें चाहे छोटे से बड़े क्रम में लगा लें चाहे बड़े से छोटे तो यहाँ पे आइए हम छोटे से बड़े क्रम में लगा लेते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो मान दिया गया है वो एक है उसको मैंने लिख लिया इसके बाद मेरे पास आ रहा है एक और फिर आया एक फिर मेरे पास आया एक और फिर मेरे पास है 150 भी फिर मेरे पास 147 भी था यहाँ पे, तो यहाँ कॉमा लगा लेते हैं 147 के बाद मेरे पास एक है जो एक से कम हो गया फिर यहाँ पे मेरे पास एक भी है और एक और यहाँ पे मेरे पास एक भी है तो ये तो आप एक रफ काम कर लेंगे आइए इसको फेयर में लिख लेते हैं तो एक क्रमागत रूप में अगर हम देखें तो हमारे पास ये आंकड़े आ गए एक सौ फिर एक सौ सैतालीस एक फिर एक फिर एक और अंत में 160। अब मुझे इनका माध्य ज्ञात करना है तो देखिए क्या करेंगे कि माध्य ज्ञात करने के लिए आप पहला और आखिरी मान यहाँ पे काट दीजिए फिर दूसरा और आखिरी से दूसरा तीसरा और आखिरी से तीसरा चौथा और आखिरी से चौथा और उत्तर आ जाएगा एक तो माध्यक जो है वो हमारे पास आ गया लंबाई में एक तो इस प्रकार से ये भी एक केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन था जो हमने यहाँ पे निकाला अब बात करते हैं एक और तरीके का प्रश्न जो कि माध्यक पे आ जाता है और वो क्या है कि आपको यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित प्रेक्षणों की आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है यदि आंकड़ों का माध्यक तिरसठ हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए अब माध्यक आपको बता दिया गया है कि एक्स है तो अभी आप अगर जो हम अभी तक तरीका अपना रहे थे कि आखिरी और शुरुआत से एक एक अंक काटते जाए वो अब यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि हमें दिया गया है कि माध्यक जो है वो तिरसठ है और एक्स का मान ज्ञात कीजिए तो आइए देखते हैं कि हम इस प्रश्न को कैसे करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास दिए गई जो यहाँ पे प्रेक्षण है उनकी संख्या कितनी है या फिर कुल प्रेक्षणों की संख्या कुल प्रेक्षणों की संख्या तो कुल प्रेक्षणों की संख्या आप देख सकते हैं कि आपके पास है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस तो दस है और जो कि एक कैसी संख्या है जो कि एक सम संख्या है तो जब भी आपके पास कुल संख्या सम हो तो ध्यान रखिए कि माध्यक क्या होगा अगर सम है तो माध्य क्या होगा आप एन बटे दो वाली जो संख्या है वो ले लीजिए मान ले लीजिए एन बटे दो प्लस एक वाला जो मान है वो ले लीजिए और इन दोनों का औसत ले लीजिए मतलब अगर मैं इस दिए गए क्रम में बात करूं तो एन यानी कि दस दस बटे दो यानी कि पांचवा मान लेना है पांच प्लस एक यानी कि छठा मान लेना है और इन दोनों की हमें औसत निकालनी है तो पांचवा मान क्या हो गया एक दो तीन चार पांच यानी कि एक्स और छठा मान हो गया x प्लस दो बटे दो ठीक है और प्रश्न के अनुसार हमें ये कितना दिया गया है तिरसठ दिया गया है तो इसको हम यहाँ पे तिरसठ से बराबर कर देंगे तो एक छब्बीस बराबर हो गया 2x एक्स प्लस दो अगर हमने दोनों तरफ से दो घटा दिया तो एक बराबर हो गया 2x और यहाँ पे x बराबर हो गया बासठ के तो इस प्रकार से हमने देखा कि x का मान हमें बासठ मिल गया ध्यान रखिए कि अगर हमारे पास कुल जो संख्याएं हैं वो सम हैं तो माध्यक ये हो जाता है और अगर कुल संख्याएं जो हैं वो विषम हैं विषम यानी कि ऑड तो आपके पास माध्यक जो है वो कितना हो जाएगा माध्यक के लिए फिर आप बिल्कुल बीच वाला ही मान ले लीजिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये ना होता पिछान ना होता तो सबसे बीच वाला जो मान एक्स है वो ही माध्यक हो जाता तो हम लिख लेते हैं कि एन बटे दो वाला जो मान है वो ही आप ले, ले तो इसमें आपको औसत वगैरह नहीं निकालना पड़ेगा जो भी आपके पास वैल्यू आ रही है एन बटे दो स्थान पे वो आप यहाँ पे ले लेंगे तो आपको माध्यक मिल जाएगा ये विषम के लिए है और ये सम संख्याओं के लिए है मतलब कुल प्रेक्षणों की संख्याओं की बात की जा रही है